बिग बॉस का घर इन दिनों लड़ाई का अखाड़ा हुआ है। जी हाँ, जैसे ही आपने देखा कि घंटी बजती है घर में और लोग टास्क के लिए भागते हैं, और फिर उसके बाद जो सामान की छीना झपटी होती है उसे देखने के बाद तो ये लगता है कि भाई ये हमारे जो सेलिब्रिटी हैं क्या ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन खैर, ये तो रही बात टास्क की, कौन करता है सबसे बेहतर टास्क, लेकिन मानना पड़ेगा सभी इस घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव शांत हैं और अपना काम कर रहे हैं, जो कि बिग बॉस ज़्यादा नोटिस भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिग बॉस ने अप्रिशिएट किया जिस तरह से खेसारी लाल यादव किसी को बिना नुकसान पहुंचाए और किसी को बिना हर्ट किए अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और लगता है अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो बिग बॉस के घर में नेक्स्ट कैप्टन वही होंगे, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के बीच में बोल रहा है, फिर वो पारस हो, माहिरा हो, शेफाली हो, शहनाज हो या फिर हो शुक्ला जी, सभी किसी न किसी लड़ाई से जुड़े हुए हैं और लड़ाई जबरदस्त कर रहे हैं। छोटी से छोटी बात को बड़ा बनाकर किस तरह लड़ना है ये तो कोई बिग बॉस के घर में रहने वाले कंटेस्टेंट से सीखे, लेकिन भाई कोई एक है जो कि अपने आप को शांत रख के सारा गेम देख रहा है, ये कोई और नहीं खेसारी लाल यादव हैं, और अब ये सभी की नजर में आ रहे हैं। वैसे खेसारी लाल यादव अभी तक चुप चुप भले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना पिटारा खोलना शुरू भी कर दिया है। हाँ, वो कहेंगे कुछ नहीं लेकिन सहेंगे भी नहीं। अब ऐसा खेसारी लाल यादव ने इस टास्क के दौरान लोगों को दिखाया है। अब आप ये कह सकते हैं कि इस टास्क के बाद खेसारी अपने आप को पूरी तरह से घर के अनुरूप पाएंगे। तो भाई अब आप तैयार हो जाइए खेसारी लाल यादव की धांसू परफॉर्मेंस देखने के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।